तीर्थ करते करते पराशर ऋषि एक दिन यमुना के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे नदी का बहाव बहुत तेज है। तो वो मछुआरे से कहते हैं कि मुझे नदी पार करवा दो। मछुआरा मना कर देता है तो मछुआरा कहता है कि मेरी कन्या आपको ये नदी पार करवा देगी। इस पे ऋषि मान जाते हैं। तभी ऋषि देखते हैं कि ये कन्या बहुत ही कुरूप है, किंतु उसके देखते ही ऋषि को उनके पर प्रेम करने का मोह आ जाता है और वो उससे अपनी इच्छा व्यक्त कर देते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मत्स्यगंधा है, मुझसे मछली की दुर्गंध आती है, आप मुझ पर मोहित कैसे हो सकते हैं। कन्या ये भी जानती है कि अगर वो ऋषि को सीधा मना कर देंगी तो वो उसे श्राप भी दे सकते हैं। कन्या कहती है कि इस समय दिन है तो ये प्रेम प्रसंग इस समय नहीं हो सकता। तो ऋषि तभी राति कर देते हैं, कहती है कि मुझे रूप दे दो। ऋषि कहते हैं तुम्हें मैं वो रूप दूंगा जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तभी वो कहती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और मेरा विवाह में कोई व्याधि ना आए और मैं पहले जैसी कुमारी ही रहूं। ऋषि कहते हैं आप तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी, किंतु मुझे प्रेम प्रसंग करने दो। मत्स्यकन्या अपनी सारी बातें मनवा के राजी हो जाती है और जब मत्स्यगंधा को रूप मिलता है तो उसे देख के वो दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है, इतनी सुंदर बना देते हैं ऋषि उसको। इसके बाद उस कन्या को जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो आगे जाके भेद व्यास बनते हैं जो चारों भेदों के रचयिता हैं और वो ही महाभारत के रचयिता भी बनते हैं। इस प्रकार ऋषि जी ने अपना वचन निभाया।